हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो माफी चाहूंगी कि मैं डेली ब्लॉग डाल नहीं पा रही हूँ। कुछ हेल्थ इश्यू है। आज लेकर के तीसरा दिन हो गया है। मुझे डेली दिन भर चक्कर आते हैं। खाना खाने बैठे तो चक्कर आता है, मतलब खड़े होकर खाना बनाते तो चक्कर आता है। तो अभी मैं खड़े होकर खाना नहीं बना रही हूँ। देखिए, टूल में बैठी हूँ, इधर सिंपल सा चावल बना रही हूँ, उसमें आलू बैंगन की सब्जी कुकर में पहली बार यहाँ पे बना रही हूँ। गांव से मैं सीख के आई हूँ। अभी मैं गांव गई थी ना, तो वहां पे मैं कुकर में सब्जी वगैरह बना रही थी, तो देखी कि सब्जी वगैरह अच्छी बनती है, तब जाके मैं कुकर में बना रही हूँ। क्योंकि मुझे कढ़ाई का बना हुआ सब्जी अच्छा लगता है, कढ़ाई में अच्छे से सब्जी फ्राई हो जाता है ना, इसलिए कुकर में सब्जी उतना अच्छे से फ्राई नहीं कर पाते, लेकिन कम टाइम में खाना बन जाए, बस इसीलिए ये बना रही हूँ। और चक्कर इतने क्यों आ रहे नहीं पता। आज मैं गई थी टेस्ट कराने के लिए, लाडो को स्कूल में छोड़ दी थी, आधे ट्यूशन में था, लेकिन जैसे जाने लगी ना, इतना सर घूमने लगा कि मुझे लगा अकेले बाहर निकलना रिस्की है, कहीं गिर गई तो। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि कहीं जो मेरा, मतलब बहुत भयानक सर घूम रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाऊँ। डर के मारे मैं वापस घर आ गई। कल सैटरडे है, तो कल हस्बैंड का भी छुट्टी है, दोनों बच्चों का भी छुट्टी है, तो आधी को नहीं तो हस्बैंड, दोनों में से किसी एक को लेकर के जाऊंगी। हस्बैंड को लेके जाने का मतलब है दोनों बच्चे को भी ढो के लेके जाना, वो भी एक टेंशन है, तो मैं आधी को लेके जाऊंगी। आधी समझदार है, अगर बाहर कुछ हो जाएगा ना, वो सिचुएशन हैंडल कर सकता है, मोबाइल से किसी को भी कॉल कर सकता है, वो इतना समझदार है। मैं उसको इतना समझदार बना के रखी हूँ, सीधा साधा है, पर समझदार है। वो ज्यादा चांस है कि मैं आधी को लेकर के जाऊँ। डॉक्टर को भी दिखाऊंगी, थायराइड का भी चेकअप कराऊंगी, और फुल बॉडी का जो हेल्थ चेकअप का अपॉइंटमेंट मेरे हस्बैंड ने नेक्स्ट सैटरडे का मिला है, इधर कल का नहीं मिला है, क्योंकि हमारा जो इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस भी हेल्थ चेकअप का है, तो अगर इधर ऐसे कराते हैं तो अच्छा खासा पैसा घर से लगेगा। और आपको पता है कि अभी गाँव रिसेंटली हम लोग आए, तो काफी खर्चे हुए, लाखों रुपया खर्च हो चुका है, तो अभी अब खर्च करना सही नहीं लगता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 18 अगस्त को मैं हरिद्वार युग्राम भी जा रही हूँ, वहाँ पे थेरेपी लेनी है, वहाँ पे बॉडी डिटॉक्स कराना है, तो जाते समय भी अच्छा खासा खर्च होगा ही होगा, तो अभी फिजूल खर्च नहीं करना चाहते। हेल्थ इंश्योरेंस में मेरा फुल बॉडी चेकअप का रखा हुआ है, तो नेक्स्ट सैटरडे का अपॉइंटमेंट हस्बैंड ने फिक्स कर ही दिया, आज सुबह ही वो फिक्स कर दिया नेक्स्ट सैटरडे का। और ऐसे तो कल मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, देखती हूँ डॉक्टर क्या बोलता है। बीपी लो तो नहीं है, थायराइड हो सकता है, या फिर मे बी स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या फिर इंटरनल कोई बीमारी हो, कोई बीमारी का लक्षण भी होता है बार बार चक्कर आना, क्योंकि हद से ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे काफ़ी सर घूम रहा था, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, 3 टाइम मैं नारियल पानी पी रही हूँ, और नमक पानी सब घोल के बना करके पीना रहता है एनर्जी के लिए, फ्रूट्स वगैरह खाना, वो सब मेरा जो भी एनर्जी के लिए होता है वो सब मेरा खाना पीना चल रहा है। क्या करूँ, गाँव गई थी तो खाना पीना रिफाइन ऑयल, कचौड़ी, लेट नाइट खाना खाना, ये सब चल रहा था। और इसी वजह से ना मैं ब्लॉग भी रेगुलर बना नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाना तो आसान काम है, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं तो उसको हम लोग शूट करना बहुत ईजी होता है, लेकिन मेन एडिटिंग को टाइम लगता है ना, तो कैमरा स्क्रीन के सामने रह करके इतना एडिटिंग को टाइम देना सर घूम रहे कहाँ से हो पाएगा। तो सैटरडे संडे को तो आप लोग जानते हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मे भी मुझे मौका मिले कि मैं एडिटिंग करूँ तो सैटरडे संडे मेरा ब्लॉग आएगा। उम्मीद करती हूँ कि मंडे से भी डेली ब्लॉग आए, तबीयत मेरी ठीक हो जाए। कल तो डॉक्टर को दिखाऊंगा, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते, किस वजह से चेक करा रहा है। इसको इग्नोर कर नहीं सकते, 3 दिन लगातार हो गया, मैं बता नहीं सकती मुझे कैसा लग रहा है ना, मैं मतलब रह के बैठे बैठे चक्कर आ रहा है, खड़े खड़े आ रहे, दिन भर में तो अनगिनत चक्कर आ रहा है, काउंट करना भी बहुत मुश्किल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट ब्लॉग कल का ही आए, क्योंकि एक दिन भी ब्लॉग नहीं आता तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, और आप लोग कमेंट करते हैं तो वो कमेंट पढ़ के भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, हालांकि मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल चलता है ना, अकेले दोनों बच्चों को संभालना, घर के काम, ब्लॉगिंग करना, इंस्टाग्राम संभालना नहीं हो पाता है, फिर भी मैं इंस्टाग्राम पर रिप्लाई करती हूँ, आप लोग जानते हैं, शायद ही किसी किसी का रह जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, बहुत बिजी शेड्यूल है, और उम्मीद करती हूँ आप लोग इस बात को समझेंगे। और नहीं कह सकते कुछ भी कि अभी तो फिलहाल तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।